ए कौन है? सॉरी सर, मेंट फॉर दीस टू सर. ओह देन इट इज ओके. ओके राय. हां अरे मैडम, 15 अगस्त आ रहा है ना, तो बस 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे हम लोग. अबे उसमें घने दिन बाकी से अभी. हाँ जी जी मम्मी जी, 15 अगस्त हम अब की बार बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, तैयारी भी चंगी होनी चाहिए ना. क्या है, अच्छे बच्चे हैं दोनों. मैं इन्हें सिखा रहा हूँ, बहुत जल्द सीख जाएंगे. मैंने कहा था चंद्रमुखी जी, आप भी मुझसे कुछ सीखिए. आपको तो मैं 2 दिन में सिखा दूंगा, 2 दिन में. सर आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि आप मन्ने डांस सिखाएंगे? या अच्छिया ना सर, सोचिए अगर तो मैं किसी जो है फास्ट एकदम रैपचिक गाने पे डांस करना मांगू. हाँ? तो आप कर सके वैसा डांस, सिखा सके मन्ने? सिंपल. ये तो मेरे बात का काम है. ओहो तो देरी किस बात की है. सोमी सर म्यूजिक. या सर आप कब आए? जब आप अपना कमरा मटका रहे थे तब आया. ना शर्म आनी चाहिए, आए दिन टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं और तुम यहाँ पे नाच रहे हो. कोई नहीं सर, आप यो बताइए कि आप जो है यहाँ किस लिए आए? इस तस्वीर को गौर से देखिए. ओ क्या बात है सर, क्या बात है, आप मैडम की शादी के लिए लड़के की फोटो भी ले आए. हु इज दैट फेलो? इंटरनेशनल टेररिस्ट, बुलेट बॉक्सर है तो इंडियन, लेकिन देश का दुश्मन, अपने ही देश को खत्म कर देना चाहता है. आज रात ये यहाँ आएगा चौकी को खत्म करने. वैसे बुलेट बॉक्सर अरेस्ट हो चुका है, लेकिन इसे हम 2 दिन से ज्यादा किसी भी जेल में नहीं रख सकते. कल इसे अंडमान आइलैंड भेजा जाएगा जहाँ ये सारी जिंदगी जेल में काटेगा. सर बेसिकली आज रात उसे चौकी में रखना है. यस. और कल सुबह? और सुबह होते ही उसे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आप लोग लेके जाएंगे. मैडम मुझे पता ही नहीं था कि ये अंडमान आइलैंड 40 किलोमीटर दूर ही है. 40 किलोमीटर दूर दूसरी चौकी से जहाँ हम उसे छोड़ेंगे और वो लोग वहां से उसे भेजेंगे अंडमान. यस. क्लियर. समझ गया मैडम, समझ गया. सर आप टेंशन ना लीजिए, इसकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है. कल इसे सही सलामत हम दूसरी चौकी छोड़कर आएंगे. मैं सर ध्यान से इस काम को करूंगी, आप टेंशन ना लें बिल्कुल. जय हिंद. जय हिंद सर. चंद्रमुखी जी ये रहा बुलेट बॉक्सर, आज से मैं इसका चार्ज आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ. और यो कौन है? बॉब कट. मैं बिल्लू, बॉस का असिस्टेंट रात के सन्नाटे में. अबे दिन के चकाचौंध में भी होता तो भी क्या कर लेता तू? आप समझी नहीं, यानी कि बॉस जहाँ पे भी जाते ना मैं उनके साथ जाता हूँ, रात के सन्नाटे में हर जगह. हर जगह? आर यू श्योर? अबे देख क्या रहे हो, अरेस्ट करो सालों ने. कितना लोहा पहना थे ये लोग, और माँ कहती कि वजन कम करो बेटे. ये लो बॉक्सर, रोटी खा लो. याद रखूंगा तुझे. याद भी रख लेना, पहले रोटी खा लो. इस देश में लोगों को खाने को रोटी ना मिलती.
तू पड़ोसी भी रोटी फेंक रहा है? बस खा लीजिए ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है रात के सन्नाटे में। खाऊंगा, जरूर खाऊंगा, टुकड़े टुकड़े करके खाऊंगा, लेकिन ये रोटी नहीं, इस देश को तबाही ला दूंगा पूरे हिंदुस्तान में, बर्बाद करके रख दूंगा हिंदुस्तान को। अरे देश के खिलाफ एक शब्द और बोला ना तो यही लाश बिछा दूंगी थाली में। क्या कर लोगी तुम? बुलेट बॉक्सर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लाइए जरा डंडा ला। ये लीजिए मैडम, 7 दिन से इसे सरसों का तेल पिला के रखा है मैंने। हाँ ये बोल, क्या कह रहा था? एक मिनट, पहले बिल्लू को खिलाओ। ओके? मैं कोई भी चीज खाने से पहले बिल्लू को टेस्ट करवाता हूँ। हाँ भाई, टेस्टर, चल। जाओ बिल्लू। हाँ। टेस्ट करके बताओ। वाह, बेस्ट है हिंदुस्तानी, रात के सन्नाटे में आ। क्या कह रहा था? देश में तबाही फैलाएगा तू। साले मैं तेरे ऐसा फैलाती हूँ कि थारा बाप भी समेट ना पाएगा। ये बोल, रोटी खाएगा या डंडा खाएगा तू? नहीं, रोटी खाऊंगा। ठुसवा साले के। ठुस लो। हाँ तो भैया, आप लोग उस बुलेट बॉक्सर को ले जाने के लिए तैयार है ना खीस्तान के? यस सर। हाँ तो ठीक है, आप लोग चलिए, लेकिन जरा होशियारी से, वो बहुत चालाक है। अरे सर, तो हमारी मैडम भी कुछ कम नहीं है सर, हमारी मैडम एक नंबर की चालाक लोमड़ी, मेरा मतलब है चालू हिरनी, मेरा मतलब है बहुत ही दिमाग वाली है सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। अरे ये क्या, आपका हाथ तो आग की तरह तप रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार है आपको। नहीं सर, मामूली सी बात है, टेंशन की बात ना है, सही हो जाएगा। ओह माय गॉड, आपको बुखार है? आपने हमें बोला नहीं, बताइए, लेट मी चेक। ओए 104 होगा बुखार, चेक चेक सीसी। लड़की चंद्रमुखी जी, दिस इज नॉट गुड, हमें बताना चाहिए था। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, उस बुलेट को हम छोड़ कर आएंगे। सर ऐसा है नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरे होते हुए आप नहीं कर सकते, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हां मैडम, अरे आप बेफिक्र रहिए, हम छोड़ के आएंगे ना। अरे सर आप कुछ समझाइए ना सर। देखिए ये लोग सही कह रहे हैं, आप रेस्ट कीजिए प्लीज। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाइए और डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। क्या बात है सर, पहली बार आपने ढंग का काम किया है। नहीं मेरा मतलब है, बिल्कुल सही कहा आपने, ओबे द ऑर्डर्स। हाँ जी जी मम्मी जी, बस आप यूं समझ लो, इधर आप डॉक्टर के होके आई, उधर हम बुलेट को छोड़ के आ जाएंगे जी। कन्यादान करेंगे हमारा। All the best boys. हेलो, क्या नहीं? अरे बोला तो सर, प्लीज हमारी बात का यकीन तो कीजिए मैडम, आपकी हर थप्पड़ की कसम मैडम। अरे उस बुलेट के भागने में हमारा हाथ तो क्या उंगली तक नहीं थी। हाँ जी जी मम्मी जी, रास्ते में ना हमारी पुलिस बैंड के आगे एक भैंस आ गई जी, बस उन्होंने फायदा उठा के हमारे पे धुआं बम फेंक दिया जी, जिसके वजह से हम लोग बेहोश हो गए, वरना वो बुलेट बॉक्सर हमारे हाथों से भाग जाए, नॉट पॉसिबल। अरे भैया अब तो प्रेस, जनता, पार्टी, अपोजिशन सब मिलकर के हम रत्तमला बजाएंगे खींचतान के। देखिए नेताजी, बात ऐसी है कि मन ने पूरा यकीन है कि ये लोग बेगुनाह है। हाँ ब्रो। हेलो हेलो,
बुलेट बॉक्सर बोल रहा हूं। शाबाश गुलगुले, तुमने जो हमें छुड़वाकर बहादुरी का काम किया है, इसलिए इनाम के रूप में कल तुम्हारे घर में 25 लाख रुपए और एक माइक्रोवेव ओवन पहुंच जाएगा। अरे मैडम ये, और तुम्हारा वो पंजाबी परांठा, उसे कहना कि हम बहुत खुश हुए, उसके नाम पंजाब में हमने 2 ढाबे कर दिए हैं। और तीसरा वो तुम्हारा इंस्पेक्टर, उसे तो हम नेपाल में सेटल कर देंगे, वो वहां हमारे जुए के घर संभालेगा और कैबरे भी करेगा। और सुन, आगे भी हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहना। अगली बार जैकपॉट में LCD प्लेयर मिलेगा। चलो फोन रख। हेलो हेलो, अरे लेकिन हम अरे बॉस, मुझे 2-in-1 दिलवा देना। अरे ये साजिश है मैडम, ये साजिश है, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। अरे फंस तो अब तुम सब चुके हो खींच तान के। अरे भैया, इसीलिए तुम लोगों ने चंद्रमुखी चौटाला को साथ न ले जाने पर जोर दिया था। कहा चंद्रमुखी जी, आपका कहीं ना आपका इसके बारे में है खींच तान के। अरे खड़े खड़े मुंह कटा करिए, अरे इसकी जेल सबको खींच तान के। आ रहा है का करे खींचतान के, 2 महीने से उस बुलेट बॉक्सर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है खींचतान के। इधर वो पकड़ में नहीं आ रहा है, उधर जनता मीडिया प्रेस सब सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं खींचतान के। सर, बुलेट बॉक्सर को अगर कोई पकड़कर सिलाखों के पीछे डाल सकता है तो सिर्फ एक ही ऑफिसर है। कौन है भैया? चंद्रमुखी, प्लीज कम इन। सर देखो चंद्रमुखी चौटाला, किसी भी तरह कुछ भी करके उस बुलेट बॉक्सर को पकड़ो खींचतान के, नहीं तो पूरे देश को तबाह करके रख देगा खींचतान के। देखो भैया, तुम्हें जितनी भी पुलिस फोर्स आर्मी जो भी चाहिए सब मिलेगी खींचतान के। सर मन्ने किसी फोर्स किसी आर्मी की जरूरत ना है, मन्ने अपने साथ सिर्फ 3 आदमी चाहिए। सर कौन 3 लोग भैया? सर वो 3 जेल के कैदी हैं और आपको उनकी रिहाई के आर्डर पे साइन करने होंगे। अरे लो, अभी हम उनकी रिहाई के आर्डर पे साइन किए देते हैं। उनके नाम क्या है? सर उनके नाम है मुलायम सिंह गुलगुले। ए चलिए नहीं खाऊंगा मैं, मुझे मेरा चिकन जंगली सैंडविच चाहिए विद चीज, मुझे मेरा चिमी चौंका चाहिए, मुझे मेरा वेज ओ ग्राते चाहिए, मेरा पनीर शाश्लिक, हैलपीनो पॉपर्स वो छोटे छोटे वो गोल होते फ्राइड चीज वाले, मुझे मेरा इटालियन खाना चाहिए, मुझे मेरा मैक्सिकन खाना चाहिए, चाइनीज नहीं खाऊंगा मैं, मुझे गैस होती है, मुझे मुझे मेरा खाना चाहिए, मुझे मेरी पीच आइस टी चाहिए, पीच आइस टी, मेरी पीच आइस टी। गोपीनाथ गंडोत्रा, मुझे लगता है जो जिंदगी के कुछ साल बचे हैं मैं यहीं बड़े बड़े मर जाऊंगा। ओए कोई है? ओए कोई थोड़ी दवाई पिला दो यार, थोड़ा नमकीन भी ले आना साथ में, बहुत दिन हो गए दवाई नहीं पी, अंदर सूखा सूखा ड्राई महसूस हो रहा है। राज आर्यन, यूं ही जो रेत में फेरी थी उंगलियां और से देखा तेरी तस्वीर बन गई। चंद्रमुखी, मेरी चंद्रमुखी जी, चंद्रमुखी जी, मेरा इंतजार करना है चंद्रमुखी जी, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना चंद्रमुखी जी,
आपका राज आर्यन आएगा चंद्रमुखी जी, तोड़ दूंगा इन सलाखों को, गिरा दूंगा इन दीवारों को, आपका ये राज आर्यन आएगा। वेट करना चंद्रमुखी जी। चंद्रमुखी, तुम होश में तो हो? अरे आपके हाथ क्यों रुक गए नेताजी? करिए इनके जो है रिहाई के आर्डर पे साइन करिए आप। ना भैया, हम ये साइन नहीं कर सकते, हम उन तीनों की रिहाई पर साइन नहीं कर सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते।